आप लोग जब एक DSLR लेते हो उसके बाद जो किट लेंस रहता है उससे आप पिक्चर लेते हो, तो DSLR वाली जो फीलिंग्स है पीछे जो बैकग्राउंड है कंप्रेस्ड आएगा, ब्लर बुके टाइप का पिक्चर आएगा, वो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते है? मेरा को कुछ सेटिंग्स और कुछ लेंस के बारे में हम बताएंगे। आपका जो इमेज है उसका पीछे आप ब्लर ला सकते हैं, हाई क्वालिटी का फोटोग्राफी ले सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहती है तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑटो पे जो शूट करते हैं इसमें कैमरा ऑटोमेटिकली एसेट करता है जे इस लाइट कंडीशन में कैसे इसके ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा, तो इसमें जो फ़ोटो आते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आते है। पिक्चर तो आते हैं आप जैसे चाहते हैं ऐसा नहीं आते है। जो किट लेंस से पिक्चर लेते हैं तब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं होता है, पिक्चर में शार्पनेस कम होता है, लाइट वो जो नेचुरल कलर है पिक्चर का वो नहीं आते हैं। एक डायल है, स्टैंडर्ड डायल है, इस डायल में ए ऑटो ए प्लस लिखा हुआ है, ए ऑटो का है, ये मैनुअल AVTV P मोड मतलब पोर्ट्रेट के मोड में ये ऑटोमेटिक सेट कर देता है। जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं, पोर्ट्रेट में जितना कम अपर्चर में रहे वो ऑटोमेटिकली ये सेट कर देता है। अगर आपको अच्छे फोटोग्राफी करना है तो आपको मैनुअल में फ़ोटोग्राफी करना पड़ेगा। तो मैनुअल में फ़ोटोग्राफी करने के लिए क्या चीज़ आपका पहले जानना ज़रूरी है। अगर आप ऑटो पे फोटो शूट करेंगे तो अभी कभी ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते। कैमरे का जो 3 सेटिंग है वो पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद आप जैसे चाहे फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो सेटिंग है यहाँ पर पहले शटर स्पीड है, उसके बाद अपर्चर, इसके बाद ISO, ये तीनों का जो सेटिंग्स है इसको कॉम्बिनेशन करके हम लोग अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं। पहले जानेंगे हम शटर स्पीड क्या है। शटर स्पीड है ये कैमरे के अंदर सेंसर के सामने ये जो शटर है, ये शटर 1 सेकेंड में कितने बार ये शटर ओपन और क्लोज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितने बार शटर ओपन और क्लोज हो रहा है, ये शटर है हमारा कैमरा। शटर नीचे जाओगे 1/100, 1/60, 1/40 लाइट कैमरे के अंदर ज़्यादा आएगा, और जितने बढ़ाते जाओगे 1/200, 1/400, 1/800, 1/2000, 4000, उतना ही कैमरा के अंदर जो लाइट कम आएगा। शटर जितना ऊपर जाओगे 1/400, 1/600, 700, 1000, 1/2000, उतना उसमें क्या होता है, वो शटर ओपन होते ही बंद हो जाता है, जल्दी ही बंद हो जाता है। और जितना कम शटर में लाओगे जो क्या 1/100, 1/60, वो क्या होगा, शटर ऐसा खोलेगा, ऐसा धीरे से बंद होगा, तो इसमें क्या होता है, लाइट ज़्यादा आता है। अगर किसी सब्जेक्ट को आप कैप्चर करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट स्टील है मतलब एक ही जगह पर खड़ा है, तो शटर स्पीड को आप लोग 1/100 से 1/200 रख सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका फ्रेंड दौड़ के आ रहा है, उसके आप फोटो लेना चाहते हैं, तो आपको शटर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो शटर ऑन हो रहा है वो दिख रहा है, वो आ रहा है वहाँ पर था, अगर वो 10 कदम आगे आ चुका है तो ये कैमरा उसको ठीक से नहीं ले पाएगा, तो ब्लर आ जाएगा। उसी कंडीशन में अगर कोई दौड़ के आ रहा है, भाग रहा है, कोई मूविंग सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको शटर को ज़्यादा रखना पड़ेगा। मूविंग सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा शटर स्पीड रखोगे तो वो पिक्चर क्लियरिटी ज़्यादा होगी। शटर स्पीड कम हम कब कर सकते हैं, जब कोई एक ही जगह पर खड़ा है, मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, जगह पर वो हिल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा स्टील है, वो कुछ हिल नहीं रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, शटर को कम कर सकते हैं, उसमें आपका इमेज अच्छी आएगी। जो बेसिक कैमरा होते हैं उसमें ज़्यादातर 4000-5000 के अंडर शटर रहता है। अगर कुछ का आपका हाई बजट का फुल फ्रेम कैमरा है उसमें 8000-10000 शटर स्पीड रहता है, 1/8000, 1/12000 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
क्रिएटिव फोटोग्राफी करने के वक्त आपको शटर को ज़्यादा या कम करना पड़ता है, तभी क्रिएटिव टाइप का फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो इमेज में कौन सा शटर में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। आप जानेंगे एपर्चर क्या होता है। एपर्चर कैमरे का तीन जो बोला था तीन सेटिंग है, उसमें दो नंबर में आता है एपर्चर करके। एपर्चर को अगर सही सेट किया आपने तो आपका इमेज का क्वालिटी, आपका जो ब्लर इफेक्ट, बूके टाइप का फ़ोटो वो सब आएगा। आप लोग जो ये फुटेज देख रहे हो, ये फुटेज मैंने R8 कैमरा से 30mm लेंस से 2.0 एपर्चर में ले रहा हूँ। देखो जितने पास आ रहा हूँ, जितने कैमरे की पास आ रहा हो ब्लर बढ़ती जा रहा है। जब दूर जा रहा हो देखो जो वो ब्लर इफेक्ट कम होता जा रहा है। जितने पास आ रहे हो, जितने कैमरे के पास जा रहा हो वो ब्लर इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। जितने कैमरे से दूर जा रहा हो वो ब्लर इफेक्ट कम होता जा रहा है। कैमरे में एपर्चर का रोल क्या है? जब हम लोग एपर्चर को F10 में रखेंगे तो क्या होगा, इसका फोकस से पूरा ले रहा है, पूरा जो फोकस है, जो जो सब्जेक्ट है उसके अगल बगल में पूरा फोकस ले रहा है। जब F10 में हम लोग फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो जब F6 में हम लोग कैप्चर करते हैं तो इसका फोकस थोड़ा कम हो जाता है, बस इतना एरिया ये फोकस में रहेगा, इतना एरिया फोकस में रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो फोकस यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये फोकस जो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ये कम होता जा रहा है। जब जब एफ वैल्यू को हम लोग नीचे लाएंगे, अपर्चर को हम लोग नीचे लाएंगे, तब क्या होगा, फोकस एरिया भी कम होता जा रहा है और जो डेप्थ ऑफ फील्ड ये भी कम होता जा रहा है। हम लोग अगर कैमरा को F3.5 है, अपर्चर को 3.5 में लाते हैं तो ये जो फोकस एरिया और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा इसका फोकल एरिया। ये फोकस में रहेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ये कम होता जा रहा है और वो फोकस जो एरिया है ये भी शैलो हो रहा है, धीरे धीरे शैलो हो रहा है। फिर जब 1.8 में आता है तो फोकस एरिया और भी कम होता जा रहा है कि फोकस यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये 1.8 में अगर हम लोग फोकस 1.8 अगर एपर्चर सेट करेंगे तो इसका जो फोकस एरिया है वो और भी शैलो हो जाएगा। वो फोकस को जो ये फोकस यहाँ से यहाँ तक और वो शैलो फोकस भी हो रहा है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम हो रहा है, मतलब इसका आगे पीछे पूरा ब्लर इफेक्ट आपका आ जाएगा, इसके आगे भी पीछे भी ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। टूर में 48 पिक्चर लेना है तो एपर्चर को कम करना पड़ेगा, जिसका लेंस में जितना कम हो सके। अगर आपका कैमरा में एपर्चर 4 तक नीचे आते हैं तो आप लोग 4 रख लीजिए। अगर आप कोई प्राइम लेंस यूज़ करते हो उसका अपर्चर आपका 1.8 है तो आपको 1.8 में सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। पर जब आप किसी को किसी पर्सन का फोटो ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, अब अगर 1.8 पे अपर्चर सेट करोगे तो उसका जो एजेस है, वो जो साइड का एजेस है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो किसी पर्सन का पोर्ट्रेट लेना है तब जितने पास आओगे, इतने से पास जितने पास आओगे उतना ही आपको ब्लर इफेक्ट आएगा, और इतने पास आने से आपका अपर्चर जो इसमें सेट करना है सही अपर्चर होगा 2.8। नज़दीक आके अगर फोटो की कैप्चर करोगे तो उसका जो उससे साइड है, वो कान, वो हेयर पोजीशन है, ये साइड में, ये साइड में, ये सब साइड में जो एज है सब्जेक्ट का एज में ब्लर इफेक्ट आ जाएगा।
तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2.8 ट्रैक के कैप्चर करना है, तो वो साइड में एज भी सही आएगा। अगर थोड़ा सा दूर हाफ फोटो ले रहे, सब्जेक्ट का हाफ फोटो ले रहे, तो आप यहाँ पर 2.0 या 2.2 में रख के फ़ोटो क्लिक करो तो अच्छा पिक्चर आ जाएगा। 2.2 या 2.0 सही रहेगा इस ऐसी कंडीशन में। जब इतने दूर से आप किसी का पिक्चर फोटो खींच रहे हो तो यहाँ पर 2.2 ले सकते हो। जब इस पोजीशन में आओगे तो 2.4 लो, इस पोजीशन में आओ तो 2.8 अपर्चर को सेट कर दो। जब ग्रुप पिक्चर लेना है, जो एक ग्रुप है वो 4 का ग्रुप है या 6 का ग्रुप है, तब क्या अपर्चर सेट करना पड़ेगा। अगर मान लो 2 पर्सन खड़ा है आपके सामने, तो अपर्चर सेट कर दीजिए 3.5 या 2.8 से 3.5। अगर मान लो आपके सामने 4 खड़ा है, 4 से अधिक है, 6 पर्सन खड़ा है, तब आपको अपर्चर सेट करना है 4 से ज़्यादा, 4.5 सेट कर लो, 5 सेट कर लो। अगर आपके सामने 10 से ज़्यादा पर्सन खड़ा हो गए तो आपको उस कंडीशन में 10 के ऊपर रखना है, या 7 से ऊपर, 8 के ऊपर अपर्चर को सेट करना है। नहीं तो क्या होगा, जो सामने बीच में जो लोग खड़ा है 2-3, वो छोड़ के बाकी सब ब्लार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आईएसओ। कैमरा में जो आईएसओ होता है वो क्या होता है, फ़ोटो में जो लाइट कंडीशन है उसको बढ़ा देता है डिजिटली। कैमरा में, कैमरे के अंदर जो फंक्शन रहता है वो डिजिटली उस लाइट को बढ़ा देता है, कम कर देता है। जितना आप आईएसओ को रखोगे, जितना ज़्यादा करोगे वो लाइट बढ़ता जाएगा, जितना कम करोगे वो लाइट कम होता जाएगा। जितना आईएसओ इंक्रीज करोगे तो उतना ही आपका इमेज में नॉइज़ आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या करना है, जितना कम आईएसओ रख के फ़ोटो ले सकते हो उतना ही शार्प इमेज आने वाला है। नाइट में क्या होता है, जब वेडिंग शॉट, जब हम लोग वेडिंग में फोटोग्राफी करते हैं, वहाँ पर लाइट के कंडीशन थोड़ा ख़राब होता है। तब अगर आप लोग आईएसओ के बढ़ा देते हो तो लाइट ठीक हो जाता है, बस पिक्चर में नॉइज़ आ जाएगा। तो ट्राई करो जितने कम आईएसओ में आप लोग फ़ोटो ले सकते हो उतना कम रखो। कैमरा में जितना कम होता है, 100 में रखो, 200 में रखो, जितना कम होंगे। नाइट में जहाँ लाइट कम है वहाँ पर आप लोग 800, 1600 रख सकते हो तो पिक्चर क्लियर आ जाएगा। उसके ऊपर जाओगे तो थोड़ा नॉइज आता रहेगा। आईएसओ कैमरा में कितने रहता है, ये आईएसओ कैमरा में 100 से लेकर 50,000 तक, 25,000 तक होता है। कहीं कैमरा में ये 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है। जितने फुल फ्रेम कैमरा में, जितने महंगा कैमरा होगा उसमें आईएसओ बहुत ज़्यादा रहता है। शूटिंग में फ़ोटो ले रहे हो तो आपको 800 से 1600 तक जाना चाहिए, उसमें नॉइज़ नहीं आता है। उसके बाद 3200 में जब फ़ोटो लेते हो तब थोड़ा नॉइज़ आ जाता है। जो जो कैमरा में 2 लाख तक आईएसओ है, 1 लाख तक आईएसओ है, 3200 से ऊपर भी ले जा सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। अगर महंगा कैमरा हो तो जिसमें आईएसओ रेंज है 2 लाख तक, उसमें ज़्यादा आईएसओ आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें आईएसओ को आप लोग ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, ज़्यादा बढ़ा सकते हो उस कैमरा, उस टाइप के कैमरा में। अगर नॉर्मल कैमरा है उसमें आप लोग आईएसओ के ज़्यादा ले जाओगे तो उसमें नॉइज़ आ जाएगा। तो जितना हो सके कम आईएसओ में पिक्चर क्लिक करो तो उसको, उसमें आपका फ़ोटो जो शार्प आएगा, क्लियरिटी ज़्यादा रहेगा। फाइनली हम बात करते हैं, अगर आप किसी एक मॉडल को लेकर फोटोग्राफी कर रहे हो तो उसमें आपको क्या सेटिंग रहना चाहिए। अगर एक ही मॉडल है, वो स्टिल एक ही जगह खड़ा है, तब आप पहले सेट करो, आपका अपर्चर सेट करो। आप अगर बूके लेना चाहते हो, पीछे ब्लार बैकग्राउंड लेना चाहते हो, तो अपर्चर को 2.0 या 2.2 में सेट करो। आईएसओ को 100 में सेट करो, और शटर स्पीड का पर लाइट कंडीशन के हिसाब से सेट करो।
सनलाइट में जब फोटो लेते हैं तब शटर स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, 1/500, 1/600, 1/1000 कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, फ़ोटो अच्छी ही आएगी। अगर आपके पास ND फिल्टर है तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड को कम करके भी फ़ोटो ले सकते हैं। इसके इसलिए आपके पास जो एक फ़िल्टर होना चाहिए जो यहाँ पर कैमरे के लेंस के सामने लगा सकते हैं, ND फिल्टर वो मार्केट में मिल जाता है, उस लगाने से आपका शटर स्पीड को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 1/200, 1/100 में भी आप 48 शॉट ले सकते हैं 2 अपर्चर में। मेरे वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।